अमिता किचन में हम आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जो बहुत ही कम समय में तैयार होगा। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इस तरह से, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी धनिया, नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। मसालों में हमने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 चम्मच गरम मसाला। पेस्ट बनाने के लिए हमने पानी लिया हुआ है। अब हम गेहूं का आटा लेंगे और उसमें हम प्याज डालेंगे कटा हुआ, टमाटर डालेंगे, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, मसाले डालेंगे, ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें हरी धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे, अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें पानी और डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं बनाएंगे, हमने कम से कम 1 गिलास पानी यूज किया है। ये हमारा बन गया है। अब हमें ये टिफिन का ढक्कन लिए हैं, आप कोई भी प्लेट या कोई भी ढक्कन यूज कर सकती हैं। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चारों तरफ, ऑयल हम अच्छे से लगाएंगे जिससे इसे निकलने में परेशानी न हो। अब हम इसमें इस पेस्ट को डालेंगे, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको बराबर कर देंगे चारों तरफ से इस तरह से। अब हमने एक भगोने में पानी रखा है गर्म होने के लिए, इस पर हम एक छन्नी रखेंगे इस तरह से, और हम इस पर ये प्लेट रख देंगे धीरे से।
हमने रख दिया है। अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे जिससे भाप हमारा बाहर ना निकले। इसको हमने चारों तरफ से ढक दिया है और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे गैस पे। गैस को हमने मीडियम हाई किया हुआ है। अब देखते हैं 10 मिनट हो गया है, इसको हटाते हैं ढक्कन। ये हमारा अच्छे से पक गया है, देखिए। अब हम एक इसमें चाकू डाल के देखेंगे, ये पका है, धस रहा है, ये पक गया है हमारा। अब हम इसे निकालेंगे। अब इसे हमने निकाल लिया है, अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा अच्छे से पक गया है, फिर हम इसे निकालेंगे। ये हमारा ठंडा हो गया है, हम इसे निकालेंगे इस तरह से, चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा इसे छुड़ा लेंगे और फिर हम इसे पलटेंगे प्लेट में। ये हमारा आसानी से निकल गया एकदम अच्छे से। अब हम इसका पीस करेंगे। आप इसे किसी भी आकार में काट सकती हैं। अब इसे हमने काट लिया है बर्फी के शेप में। आप इसे किसी शेप में काट सकते हैं, ये देखिए पीस पीस। अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन फ्राई करने पे थोड़ा और टेस्टी हो जाएगा। ये नाश्ता हम बहुत कम ही थे। अब हमने एक पैन लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा राई डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन और ये थोड़ा सा करी पत्ता जिसे हमने सुखा के रखा हुआ। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर लाने के लिए। अब हम इसमें एक एक पीस ये डालेंगे। और इसे अच्छे से सेक लेंगे। गैस को हमने एकदम स्लो किया हुआ है। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा बन के तैयार होगा। सोचते हैं कि बनाएं, लेकिन कम समय के वजह से हम बना नहीं पाते। इसे सिर्फ हम 5 मिनट में तैयार करेंगे। इसे हम एक एक पलट के अच्छे से सेक लेंगे इस तरह से।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसे हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे एकदम स्लो आंच में। इसे हमने पलट दिया है, इसे हम दोनों तरफ हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे और निकाल लेंगे। ये इसमें ना ज़्यादा कोई सामान लगेगा, और गेहूं का आटा तो हमारे घर में हमेशा ही रहता है, हम इसे बहुत कम समय में बना सकते हैं अच्छे से। 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता हम तैयार कर सकते हैं। अभी हमारा हो गया है, इस तरह से हम इसको चारों तरफ से घुमा सेक लेंगे। थोड़ा सा हरी धनिया डाल देंगे, ये हमारा गेहूं के आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसे टोमेटो सॉस या चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।